अभी तक देश जिस मॉनसून का इंतजार कर रहा था वही मॉनसून अब डरावना हो चुका है। देश भर में ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जो बाढ़ की त्रासदी से जुड़ी हुई हैं। विदेश में भी सैलाब संकट से त्राहिमाम मचाया हुआ है। देखिए फ्लड रिपोर्ट के चौंकाने वाले ये वीडियो। अठारह जुलाई की सुबह देश को एक सन्न कर देने वाली खबर ने झकझोर दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट में महाराष्ट्र रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर उफनती नर्मदा नदी में जा गिरी। लगातार हो रही बारिश से नर्मदा का जलस्तर बढ़ा हुआ था। एक वाहन को ओवरटेक करते समय बस का बैलेंस बिगड़ा और रेलिंग तोड़ते हुए 25 फीट नीचे नदी में जा गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 13 शव निकाले गए। बताया जा रहा है यह हादसा सुबह 10 से 10-15 के बीच हुआ। घटना के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से बात की। बाद में बस को क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मरने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपए और महाराष्ट्र सरकार ने 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। मौसम की मार से लड़ते लड़ते तेलंगाना को 10 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन आफत है कि राहत देने का नाम नहीं ले रही। गोदावरी के गुस्से ने भद्राचलम को पानी पानी कर दिया है। निचले इलाकों में तो पहला फ्लोर डूब चुका है। घर से निकलना है तो नाव ही एकमात्र साधन है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, अंदाजा हो जाएगा कि यहां बारिश ने किस कदर कोहराम मचा रखा है। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने भद्राचलम का दौरा किया और मदद की आस में सांस ले रही आबादी का हौसला बढ़ाया। उधर राजस्थान के धौलपुर में भी बारिश से हालात बिगड़ गए। सड़क पर सैलाब उमड़ पड़ा है। बाढ़ के बीच बाजार सज रहे हैं। अगर पानी की निकासी नहीं हुई तो महामारी का खतरा बढ़ सकता है। इस मॉनसून को किलर मॉनसून यूं ही नहीं कहा जा रहा। कितनी देर होगी फंसे? ओ मनोज, कहां कब किस मोड़ पर सैलाब से जान पर बन आए कोई नहीं जानता। राजस्थान के सीकर से आया यह वीडियो देखिए। 20 यात्रियों से भरी बस फतेहपुर कस्बे के पास एक पुलिया के नीचे फंस गई। कितनी देर होगी फंसे? ओ मनोज, बाढ़ के पानी में खुद को घिरा देकर यात्रियों में चीख पुकार मची। करीब 90 मिनट तक बीकानेर दिल्ली नेशनल हाईवे नंबर 11 पर बने इस रेलवे अंडरपास पर रेस्क्यू चला। आसपास के लोगों की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला गया। हैरानी इस बात की है कि यह अंडरपास हर मॉनसून में किसी तरह की मुसीबत लेकर आता है, बावजूद इसके प्रशासन सुध नहीं ले रहा। आउट ऑफ कंट्रोल बेतार नदी, कमर तक तेज बहाव वाला पानी और संकट में दो जिंदगी। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से आई। दो लोग नदी पार कर रहे थे लेकिन अचानक बाढ़ आने से दोनों फंस गए। एक चट्टान के सहारे दोनों कुछ देर तक वहीं जमे रहे, लेकिन सैलाब की मारक धार के आगे उनकी पकड़ ढीली हो रही थी। अनहोनी के डर से इन दोनों की बेचैनी बढ़ रही थी, तभी सेना की दुर्गा बटालियन को इनके फंसे होने की खबर मिली। फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और कुछ इस अंदाज में मिशन जिंदगी को अंजाम दिया गया। बाद में आर्मी एम्बुलेंस के जरिए इनको बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। ओडिशा में आसमानी आफत का डबल अटैक हुआ है। पहले मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया, उसके बाद गजपति जिले में लैंडस्लाइड से हालात और बिगड़ गए। गुम्मा ब्लॉक के पहाड़ी इलाके लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ों के ऊपर से पानी का तेज बहाव अपने साथ मलबा लेकर आया।
खनिमत ये रही कि किसी की जिंदगी पर कोई संकट नहीं आया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भी हफ्ते भर से रुक रुक कर हो रही बारिश का असर अब दिखने लगा है। नदी नाले उफान पर हो गए। रास्ता पार करना जोखिम से खेलने जैसा हो गया। लोग आधे रास्ते से वापस लौटने लगे। कुकरेल बांसपारा पुल उफान पर है तो सीता नदी मार्ग पर भी सैलाब का कब्जा। पहली नजर में आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर इस पुल पर लोगों की इतनी भीड़ क्यों जमा है। सैलाब के बीच ये लोग अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगा रहे हैं? दरअसल नरसिंहपुर के ये लोग शक्कर नदी में बहकर आ रही लकड़ियों को पकड़ रहे हैं। जंगल से बहकर मोटी मोटी लकड़ियों का गट्ठा शाहपुर गांव के पुल की तरफ आ रहा था। जैसे ही खबर गांव वालों को लगी, यहां सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच गए और जान हथेली पर रखकर लकड़ियां पकड़ने लगे। वैसे कुछ ऐसा ही सीन आपने साउथ की सुपरहिट फिल्म पुष्पा में भी देखा होगा, जब हीरो और उसके साथ पानी में बह रही लकड़ियों को इसी तरह पकड़ा जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और गोंदिया जिले में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जिले में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश की वजह से वाटर इमरजेंसी जैसा माहौल हो चुका है। कई हेक्टेयर जमीन जलमग्न है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी खबरें आई। अब एमपी के राजगढ़ पर बाढ़ का हमला देखिए। श्रीराम कॉलोनी के कई घर, दुकानें और बस स्टैंड डूब रहे। स्कूल और पार्क भी जलमग्न है। जिनके घर मवेशी हैं, उनकी हालत और खराब। कमर तक पानी में मवेशियों को सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़ रहा है। ये अफ्रीका के उत्तर पूर्वी देश सूडान की तस्वीरें। सूडान में खतरे का अलार्म बज रहा है और इसकी वजह है सब कुछ बहा ले जाने वाला ये सैलाब। सूडान के पश्चिमी इलाके दारफूर में 7 लोग बारिश और बाढ़ की भेंट चढ़ गए। मरने वालों में एक गर्भवती महिला समेत 2 बच्चे हैं। सूडान सरकार के मुताबिक दारफूर के 100 घर बाढ़ के असर से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जानमाल का ये नुकसान अभी और बढ़ सकता है। अमेरिका के एरिजोना में भी सॉलिड फ्लड अटैक हुआ है। कई हिस्सों में सड़क पर कीचड़ और मलबा फैला है, जिससे राहगीरों को खासी परेशानी हुई। अमेरिका के साउथ निवादा और लास वेगास में भी मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जलभराव है। चीन का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा बारिश और बाढ़ के चंगुल में बुरी तरह फंसकर बिलख रहा है। सबसे बुरा हाल सिचुआन सूबे का। यहां के 13 टाउनशिप में हर घर फ्लड अटैक से बेहाल। पूरे सूबे में फायर फाइटर्स और पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर्स की टीम ने मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन यह सब नाकाफी साबित हो रहा है। सिर्फ 2 दिन की बारिश में 6 लोग हादसे का शिकार होकर जान गंवा चुके हैं। 12 लोग अभी भी लापता है। 1500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 22,000 से ज्यादा लोगों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। सैलाब के अटैक से बैशी इलाके में भी रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी दिक्कतें आ रही हैं।